हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है, हमारा चैप्टर बिजनेस फोरकास्टिंग चल रहा है और हम दो मेथड कंप्लीट करके आए हैं, स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड डिग्री पैराबोला। आज हम थर्ड मेथड करेंगे, जो बहुत बड़ा सम है बट इजी है, टफ नहीं है, ठीक है ना। तो वो स्टेप वाइज करेंगे, आप स्टेप वाइज जाना, स्टेप वाइज मेन समझना और पूरे वीडियो को देखना तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज हम इलस्ट्रेशन 8 कर रहे हैं, तो उसकी मीनिंग समझे। देखो इलस्ट्रेशन 8 क्या बता रहा है। यूजिंग मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टेकिंग इनिशियल एस्टीमेट एज अंडर, भाई बोल रहा है ये मेथड हमें करना है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, बरोबर ना, जिसमें इनिशियल एस्टीमेट क्या है 100 है एंड अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.4। प्रिपेयर फोरकास्ट मीन्स इसमें आपको फोरकास्ट फाइंड करना होगा और अल्फा की वैल्यू मिली होगी, बरोबर ना। तो उसको किस तरह करते हैं, हम स्टेप वाइज जाएंगे वो समझना। तो देखो उसमें हमें टाइम पीरियड दिया गया है 75, 76, 77, ये सब दिया गया और एक्चुअल वैल्यूज दी हुई है एक्सट्री, ठीक है ना। तो ये हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, भाई जो टेबल आपको बनी हुई है वो सेम बनानी है। मीन्स इस तरह आपको टाइम पीरियड 1975 से लेकर ये स्मॉल टी बोलते हैं इसको, स्मॉल टी, और उसमें क्या लिखना, सबसे पहले इनिशियल एस्टीमेट आपको जो बता रहा था ना, इनिशियल एस्टीमेट जो है वो 100 है। तो टाइम पीरियड में आपको इनिशियल एस्टीमेट रखना, ठीक है, और इसके बाद आपको ये एक्चुअल वैल्यूज एक्स टी दिया गया। इसके बाद आपको चार कॉलम बनाने हैं, चार कॉलम कौन से, स्मूथ वैल्यूज जिसको एस टी बोलते हैं, इसके बाद चेंज इन एस टी जिसको हम डेल्टा एस टी भी बोलते हैं, डेल्टा एस टी, ठीक है ना, स्मॉल टी लिखना, ध्यान रखना। ओके, इसके बाद आए ट्रेंड एस्टीमेट। ट्रेंड एस्टीमेट मीन्स यहाँ पे देखो टी कैपिटल है और स्मॉल टी है, ट्रेंड एस्टीमेट बोलते हैं उसको। और लास्ट जो हमें फाइंड करना है फोरकास्ट, क्वेश्चन में ही हमें फोरकास्ट फाइंड करना था, उसको इस तरह बोलते हैं एक्स टी और उसके ऊपर इस तरह सिंबल आती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेप में आपको ये टेबल बनानी है और वैल्यू आपको पुट करनी है, जो भी वैल्यूज है हमारे पास, भाई कौन सी वैल्यू है। इन पहले टाइम पीरियड में ध्यान रखना, आपको इनिशियल एस्टीमेट रखना है, इसके बाद दूसरी लाइन पे 1975 जो भी दिए हुए हैं, 75, 76 ये जो भी ईयर्स दिए हुए हैं अप टू 1980 तक, ठीक है। और दूसरी बात, जो एक्चुअल वैल्यूज है उसमें फर्स्ट में डैश करना है, जो इनिशियल एस्टीमेट है ना उसके सामने डैश करना है, और इसके बाद जो आपको दिए गए 75 के सामने 110 फिर 120 जो भी आपको दिए गए हैं वो लिखना है। और इसके बाद जो ये इनिशियल एस्टीमेट है ना आपको, वो स्मूथ वैल्यू में उसके सामने आपको 100 रखना है, मिला हुआ ना आपको ये इनिशियल एस्टीमेट, वो उसके सामने रखना है, इनिशियल एस्टीमेट के सामने, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में टेबल बनानी है एंड आपको अल्फा की वैल्यू मिली हुई है, अल्फा इक्वल टू 0.4, ठीक है। फिर आपको फाइंड करना है 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 0.4, तो 1 में से 0.4 गया तो 0.6 होगा। फिर इसके बाद आपको फाइंड करना है 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड अल्फा, क्योंकि क्या हमें ये फॉर्मूला में यूज होगी, इसकी वजह से 1 माइनस अल्फा आपका क्या है 0.6 एंड अल्फा क्या है 0.4, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। ओके, तो पहले स्टेप में आपको टेबल बनानी है एंड इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड अल्फा। ओके, अभी दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, एस टी फाइंड करेंगे। दूसरे स्टेप में हमें एस टी फाइंड करना है, मैंने क्वेश्चन रफ कर दिया क्योंकि कैलकुलेशन करनी है उसकी वजह से, ठीक है ना। तो दूसरे स्टेप में हमें एस टी फाइंड करनी है, तो एस टी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए। मीन्स ये फॉर्मूला हमारी एस टी इक्वल टू एस टी माइनस वन प्लस अल्फा ब्रैकेट में एक्स टी माइनस एस टी माइनस वन। ओके, इस तरह आपको फाइंड करना है, मीन्स ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। अभी देखो इसमें से हम किस तरह फाइंड करेंगे ये स्मूथ वैल्यूज। देखो आपको किसके लिए चाहिए, 1975 के लिए चाहिए ना, तो क्या करोगे, 1975 जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं आपको सब कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, टेबल के नीचे आपको सब कैलकुलेशन कंपलसरी करनी है, शो करनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं 1975 के लिए निकालू, तो जहां पे ये स्मॉल टी है ना, स्मॉल टी की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा, ठीक है,
टाइम के हिसाब से, टी जो है वो टाइम ही शो कर रहा है, टाइम पी है। तो 1975 को हम 1 लेंगे, 76 को 2 लेंगे, 77 को 3 लेंगे, इस तरह करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखो किस तरह करेंगे, एस स्मॉल टी की जगह पे 1 रखना है, ये एस स्मॉल टी की जगह मैं 1 रखूं तो 1 में से 1 क्या तो 0 हो जाएगा, एस 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस अल्फा से एंड एक्स टी की जगह मैं 1 रखूंगा, माइनस एस टी की जगह मैं 1 रखूं, 1 में से 1 क्या तो 0, ठीक है। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे इस तरह, देखो एस 0, एस 0 मतलब इसी में ही देखना है आपको, और जो इनिशियल एस्टीमेट आपको दिया गया ना वो एस 0 ही है आपको। तो मैं एस 0 की जगह पर क्या करूंगा, 100 जो इनिशियल एस्टीमेट आपको दिया गया था, एंड प्लस अल्फा क्या था 0.4, एंड एक्स 1, एक्स 1 मतलब यही है, ये एक्स टी है ना, ये एक्स 1, ये एक्स 2, एक्स 3 इस तरह। तो एक्स 1 आपका है 110, एस 0 आपका 100, ठीक है ना, इनिशियल एस्टीमेट। अभी इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे 100 से ये 0.4 से 110 में से 100 गए, तो 10 फिर क्या होगा, ये 100 0.4 से मल्टीप्लाई करूं 4, दोनों का प्लस करूं 104, तो ये आपको S1 मिल गया, ठीक है। तो वो S1 आपको इसमें 1975 के सामने रखना है, ठीक है। इसी तरह ही अभी आपको 1976 के लिए फाइंड करना है, 1976 के लिए, तो उसमें क्या करोगे, S ये वाली जो फॉर्मूला उसी में T की जगह में मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, 2, तो S T की जगह में 2 रखूं, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। फिर प्लस अल्फा से एक्स की जगह पे टी की जगह पे 2 रखूंगा, मीन्स क्या हो जाएगा एक्स 2, माइनस एस टी की जगह पे 2 रखूंगा, 2 में से 1 गया 1। अभी वैल्यू पुट करूंगा एस 1, एस 1 आपने ऊपर फाइंड किया ही है, एस 1 याद है, यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है ना, हमने जो वैल्यू पुट की एस 1 आप फाइंड करके आ, तो वो 104, अल्फा की जगह पे 0.4 एंड एक्स 2, एक्स 2 मतलब ये रहा, ठीक है ना, 120, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 104 S1 की जगह पे ये 104, ये 0.4 से इसमें से मैं माइनस करूं 16, ठीक है। फिर क्या होगा, ये 104 इन दोनों का इनटू करूं तो क्या होगा 6.4, दोनों का टोटल करूं 110.4, वो मैं यहां पे रखूंगा, ठीक है ना। इस तरह आपको फाइंड करने S1, S2, S3, अभी जहां जहां टी है मैं 3 रखूंगा टी की जगह पे, मींस इस तरह हो जाएगा। अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, 1977 के लिए, ठीक है ना। तो टी की जगह पे मैं 3 रखूंगा, टी की जगह पे 3 इक्वल्स टू क्या होगा 2 होगा, टी की जगह पे 3 में से 1 गए तो ये एस 2 हुआ, प्लस अल्फा से एक्स 3 माइनस एस 2, ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व करना है। फिर क्या करूंगा, एस 2 आप ऊपर फाइंड करके आओ, 110.4 अल्फा की जगह पे 0.4, एक्स 3, एक्स 3 आपका क्या है 121 है, 121, एस 2 है आपका 110.4। इसको सॉल्व करें, मैं इधर लिख रहा हूं, इसको अगर जो मैं सॉल्व करने जाऊं तो ये 110.4 से 0.4 से अभी मैं माइनस करूं, ठीक है ना, 121 में से माइनस करूं 110.4, ओके, तो वो कितना आया 10.6 आया। फिर ये 110.4 से प्लस इन दोनों का इनटू करो, 0.4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 4.24, फिर इन दोनों का प्लस करो 110.4, ठीक है, तो क्या आया 114.64, वो मैं यहां पे लिखूंगा 114.64, ओके, इस तरह करना है। इसके बाद ये 77 के लिए हुआ, 78, 79 एंड 1980 के लिए भी करना है, ठीक है ना। तो मैं ये रफ कर रहा हूं, आपको लिखना है ये, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ओके। और ये जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं कंपल्सरी आपको शो करनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। तो ये मैं रफ कर रहा हूं, तो इस तरह हमने 75 के लिए फाइंड कर लिया, 76 के लिए भी फाइंड कर लिया एंड
77 के लिए भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है ना। अभी टी की जगह पे क्या रखेंगे, 4, 3 रखा था ना पहले, इसमें 1 रखा, इसमें 2 रखा, इसमें 3 रखा, अभी हम 1978 के लिए क्या करेंगे, 4 रखेंगे। 1978 के लिए हम स्मॉल टी जो है उसकी जगह पे 4 रखूंगा, तो एस टी की जगह 4 रखू तो 4 - 1 = 3 हो जाएगा, प्लस अल्फा एक्स टी की जगह पे 4, एस टी की जगह 4 रखूंगा, 4 - 1 मतलब 3 होगा, ठीक है ना। अभी हम वैल्यू पुट करें, एस थ्री अभी अभी आपने फाइंड किया था 114.64, अल्फा की जगह पे 0.4, एक्स फोर क्या होगा आपका 125, ठीक है ना, टेबल में दिया हुआ 125, एस थ्री है 114.64, फिर ये से 114.64 प्लस 0.4 सेम, अभी 125 में से 114.64 माइनस करूंगा, 125 - 114.64, ठीक है ना, तो माइनस किया तो क्या आया 10.36। अभी ये 114.64 इन दोनों का इंटू करूं, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4.144, फिर इन दोनों का मैं प्लस करूं 114.64, तो मैंने इन दोनों का प्लस किया तो 118.784 आया, तो वो हम रखेंगे, ठीक है ना, 118.784। इसके बाद 1979 के लिए करेंगे हम, मींस एस टी की जगह में क्या रखूंगा 5, ठीक है ना, तो एस यहां पे मैं 5 रखू, 5 में से 1 क्या दो 4, प्लस अल्फा से एक्स टी की जगह पे 5 माइनस 5 में से 1 क्या दो 4, ओके। और ये 4 को आप फाइंड करके या 118.784 ओके फाइंड करके या आप, फिर प्लस अल्फा की जगह पे 0.4, एक्स फाइव की जगह पे क्या रखोगे आप 124, ठीक है ना, 124 माइनस 118.784, फिर क्या करूंगा ये सेम रखूंगा 108.784 प्लस 0.4, इसमें से मैं माइनस करूं 124 माइनस 118.784, ठीक है ना, तो माइनस किया तो मैंने 5.216 आया, फिर ये सेम 118.784 इसको मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करूं, ओके, तो क्या आया 2.0864, फिर इन दोनों का मैं प्लस करूं, इसमें प्लस करूं मैं 118.784, प्लस करूं तो क्या आया 120.8704, ठीक है, इस तरह लिखना है आपको, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 120.8704, ओके। अभी इसी तरह ही लास्ट 1980 के लिए आपको निकालना है, ठीक है ना, 1980 के लिए तो मैं टी की जगह पे क्या रखूंगा, स्मॉल टी की जगह पे 6, ठीक है ना, तो एस टी 6 में से 1 गया तो क्या होगा 5, प्लस अल्फा से एक्स टी की जगह पे 6 एंड एस 6 - 1 मतलब 5, ठीक है ना, वैल्यू मीन्स स्मॉल टी की जगह पे 6 रखा और कुछ नहीं है, फिर इसके इक्वल्स में वैल्यू पुट करूंगा मैं, एस 5 की जगह पे ये रखू ऊपर आप फाइंड करके आओ 120.8704 प्लस ये 0.4 सेम अल्फा की जगह पे 0.4, एक्स 6 की जगह पे क्या रखूंगा 122, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, माइनस 120.8704, ठीक है, फिर इसके इक्वल्स में क्या करोगे आप, ये 120.8704 प्लस 0.4, इसमें से मैं माइनस करूं, ठीक है ना, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं तो क्या आया 1.1296, ठीक है, अभी ये 120.8704 से इसको मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करूं, तो 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो 0.45
184 आया, ठीक है। फिर इन दोनों का मैं प्लस कर रहा हूं 120.8704, ठीक है ना। तो मैंने प्लस किया तो क्या आया 121.32224, ठीक है ना, इस तरह आया। मैं इसी तरह लिख देता हूं, आप पॉइंट के बाद चार नंबर लिखोगे तो भी चल जाएगा, ओके। 121.32224 जो आया मैंने वो लिखा है पूरा, ठीक है ना। बुक वालों ने मैं भी पॉसिबल पॉइंट के बाद तीन नंबर या चार नंबर लिखे होंगे, मैं भी पॉसिबल दो नंबर लिखे हो, तो मैंने सब लिखा है, ठीक है ना। तो इस तरह ये जो हमारा सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन एसटी मींस डेल्टा एसटी, चेंज इन एसटी डेल्टा एसटी जिसको बोलते हैं वो किस तरह फाइंड करते हैं। देखो इसमें से जो एसटी आप फाइंड करते हैं ना, इसमें से ये माइनस करना है, 104 में से 100 है तो क्या होगा 4, यहां पे लिखना है, ठीक है ना, ऊपर डैश आएगा। क्या किया मैंने, 104 में से 100 माइनस किया वो लिखा, फिर इसमें से ये माइनस करूंगा, 110.4 में से 104 माइनस करूंगा तो 6.4 आएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें से ये माइनस करूंगा, 114.64 माइनस 110.4, ठीक है ना, माइनस करूंगा तो क्या आया हमारा 4.24 आया। फिर इसमें से ये माइनस करना है, 118.784 है, ठीक है, उसमें से माइनस करना है 114.64, माइनस करूंगा तो क्या आया 4.144। फिर इसमें से माइनस करना है 120.8704, ठीक है, माइनस करूंगा मैं 118.784, ओके। इसमें से ये माइनस किया तो आया 2.0864। फिर इसमें से मैं माइनस करूंगा 121.32224 माइनस 120.8704, ओके। इसमें से ये माइनस किया तो क्या आया 0.45184, ठीक है ना। तो यहां पे ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया, ओके। अभी फोर्थ स्टेप में हमें ट्रेंड एस्टीमेट फाइंड करना है, ओके। ट्रेंड एस्टीमेट जिसकी सिंबल है कैपिटल टी स्मॉल टी, मींस इस तरह लिखते हैं फॉर्मूला जो आपको याद होनी चाहिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको ट्रेंड ट्रेंड की सिंबल बोलते हैं, ट्रेंड एस्टीमेट, ठीक है ना। उसकी फॉर्मूला आती है अल्फा डेल्टा एस टी, ये आपको याद रखनी है, प्लस वन माइनस अल्फा एंड कैपिटल टी स्मॉल टी माइनस वन, इस तरह ये फॉर्मूला है। टी टी इक्वल्स टू अल्फा ब्रैकेट में डेल्टा एस टी स्मॉल टी प्लस वन माइनस अल्फा टी टी माइनस वन, यहां पे स्मॉल टी रखना है, ठीक है ना। सेम इसकी तरह अभी जैसे फॉर्मूला थी, जैसे हमने क्या फाइंड किया था, स्मूथ वैल्यू फाइंड की थी ना, अभी इसमें भी इसी तरह आपको फाइंड करना है। सबसे पहले 75 के लिए करना है, ठीक है ना, 1975। तो किस तरह करोगे, जहां जहां स्मॉल टी है वहां पे हम वन पुट करेंगे, ठीक है ना, मीन्स इस तरह होगा टी और स्मॉल टी की जगह पे वन, फिर अल्फा डेल्टा एस टी की जगह पे वन रखूंगा, ओके। फिर वन माइनस अल्फा सेम रख रहा हूं एंड टी स्मॉल टी की जगह पे मैं वन रखू, वन में से वन गया जीरो होगा, बराबर ना। सिर्फ मैंने क्या किया, जहां जहां स्मॉल टी है वहां पे वन पुट किया है, स्मॉल टी की जगह पे वन, स्मॉल टी की जगह पे वन, यहां पर भी स्मॉल टी की जगह वन रखा, वन माइनस वन मीन्स जीरो हो गया, ओके। इस तरह अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा आपको 0.4 और डेल्टा एस वन मतलब ये चेंज इन एस टी जो आप फाइंड किया वो है 4, ठीक है। एंड प्लस वन माइनस अल्फा आपने फाइंड किया था फर्स्ट स्टेप में, अल्फा वन माइनस अल्फा फिर वन माइनस अल्फा डिवाइड अल्फा, बराबर ना, फर्स्ट स्टेप में। तो वन माइनस अल्फा की जगह पे 0.6 डायरेक्ट रखना, ऐसे भी रख सकते हो 1-0.4, पर क्या कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, इससे अच्छा हम डायरेक्ट रखेंगे तो बेटर रहेगा। एंड टी जीरो मीन्स ये जो ट्रेंड एस्टिमेट है
वो स्टार्टिंग बी एफ टी जीरो जो इनिशियल एस्टिमेट होता है ना उसके सामने जीरो होता है, तो वो हमें मिला नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है वो जीरो ही लेना है क्योंकि ये नहीं मिला होता है हमें टी वन टी टू टी वन अभी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे रखूंगा बराबर ना, इस तरह होता है। तो ये ध्यान रखना है टी जीरो नहीं मिला हुआ तो जीरो, इन दोनों का इंटू करूंगा तो 1.6 और ये जीरो हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट टी वन जो हुआ 1.6 आया, तो वो यहाँ पे रखूंगा 1975 के सामने 1.6, ठीक है ना, ये टी वन मिल गया। ओके ये 75 के लिए हो गया, अभी इसी तरह 1976 के लिए करेंगे, तो इसमें स्मॉल टी की जगह मैं क्या रखूंगा 2 रखूंगा, ठीक है ना, 2 इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा एस 2 प्लस 0 1 माइनस अल्फा रखते हैं बाद में वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस अल्फा एंड टी 1 हो जाएगा, मीन ज्यादा टी है वहां पे मैंने 2 रखा, स्मॉल टी की जगह पे 2 रखा, स्मॉल टी की जगह पे 2 रखा, स्मॉल टी की जगह 2 में से 1 गया तो 1 है, ठीक है ना, इस तरह। फिर अल्फा की जगह पे 0.4 डेल्टा एस 2 मीन्स ये एस वन है ये एस टू और वो भी डेल्टा ध्यान रखना 6.4, फिर 1 माइनस अल्फा 0.6 था, टी वन अभी अभी आप ऊपर फाइंड करके 1.6। ओके तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे और कुछ भी नहीं है बिल्कुल इजी है, 0.4 इंटू 6.4 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2.56 है, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 0.6 इंटू 1.6 तो 0.96, ठीक है ना, 0.96, फिर इसमें प्लस करूं मैं 2.56, दोनों का प्लस किया तो क्या आया 3.52, ठीक है ना, तो वो यहां पे रखूंगा 1976 के सामने 3.52। इसी तरह 1977 के लिए करूं मैं तो जहां जहां टी है स्मॉल टी वहां पे 3 रखूंगा स्मॉल टी की जगह पे, ठीक है ना, अल्फा डेल्टा एस 3 प्लस 1 माइनस अल्फा एंड कैपिटल टी सेम स्मॉल टी की जगह पे 3 रखूंगा, 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है ना, स्मॉल टी की जगह सिर्फ मैंने 3 पुट किया है। फिर इसको सॉल्व करें, अल्फा की जगह पे 0.4 डेल्टा एस 3 ये हुआ, ठीक है ना, 4.24 एंड प्लस 1 माइनस अल्फा आपको दिया हुआ 0.6 एंड टी 2 अभी अभी आप फाइंड करते हैं 3.52, अभी मैं इन दोनों का इंटू करूं 4.24 इंटू 0.4, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो 1.696 और इन दोनों का इंटू करूं 3.52 इंटू 0.6 तो मल्टीप्लाई किया तो 2.112 आया, फिर दोनों का मैं प्लस करूं, ठीक है, 1.696, ओके तो प्लस किया तो क्या आया 3.808, तो ये जो आपको मिला वो T3 आया 3.808, ठीक है ना, इस तरह हुआ, ये 1977 के लिए हुआ, इसी तरह ही हम अभी 1978 के लिए करेंगे, ठीक है ना, उसमें भी इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे T4, अभी T4 किस तरह करोगे, अल्फा स्मॉल डी की जगह पे हमें 4 रखना है, ठीक है ना, फिर प्लस 1 माइनस अल्फा टी 3 हो जाएगा ना 4 माइनस 1, ठीक है ना, जहां जहां स्मॉल डी है वहां पे मैंने 4 पुट किया, अभी इसमें वैल्यू पुट करूं मैं तो इसके इक्वल्स में क्या होगा देख सकते हो, अल्फा की जगह पे मैं रखूं 0.4 एंड डेल्टा एस 4 है, डेल्टा एस 4 आपका कौन सा है ये है, ठीक है ना, ये हमारा ये 1, 2, 3, 4 इस तरह ध्यान रखना 4.144, फिर प्लस 0.6 रखूंगा एंड T3 अभी अभी आपने फाइंड किया 3.808, ठीक है, फिर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं 4.144 इंटू 0.4, ठीक है, तो इसका मैं मैंने मल्टीप्लाई किया था 1.6576 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं 3.808 इंटू 0.6, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2.2848, ठीक है, फिर इन दोनों का मैं प्लस करूं 1.6576, प्लस किया तो क्या आया 3.5
9.24, ओके। तो ये हमें T4 मिल गया 3.9424, ये आपको यहां पे रखना है, ठीक है। ये 78 के लिए आया, अब इसी तरह 79 और 1980 के लिए करना है मीन्स, ठीक है ना। तो फिर मैं ये रफ कर रहा हूं, स्पेस नहीं है, अच्छी तरह समझ में आया, उसके लिए रफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं रफ कर रहा हूं, अभी हम किसके लिए करेंगे, 79 और 80 के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 1979 के लिए करें, तो इसमें टी की जगह में क्या रखूंगा, 5, 4 रख के ना, अभी 5 रखेंगे, अल्फा sin डेल्टा एस 5, फिर ये 1 माइनस अल्फा sin टी, इसकी जगह पे 5 रखूं तो 5 माइनस 1 क्या हुआ 4, अल्फा की जगह पे 0.4, डेल्टा एस 5, डेल्टा एस 5 हमारा ये है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे हम 2.0864, ठीक है, ध्यान से रखना है। एंड 1 माइनस अल्फा आपका 0.6 है, टी 4 अभी अभी आपने फाइंड किया टी 4, ठीक है, 3.9424, ओके। अभी मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। 0.4 मल्टीप्लाई 2.0864 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0.83456। फिर इन दोनों का इंटू करना है, 0.6 इंटू 3.9424, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2.3654। अभी इन दोनों का मैं प्लस करो, इसमें प्लस कर रहा हूं 0.83456, मैंने प्लस किया तो एक्यूरेट 3.2 आया, इसका प्लस किया एक्यूरेट 3.2, तो वो रखेंगे हम 3.2, ओके। अभी इसी तरह ही 1980 के लिए निकालेंगे, तो टी स्मॉल टी की जगह पे मैं 6 रखूंगा, तो अल्फा डेल्टा एस यहां पे टी की जगह पे 6 प्लस 1 माइनस अल्फा टी 6 में से 1 गया तो 5, स्मॉल टी की जगह पे सिर्फ 6 रखना है, ठीक है ना। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की जगह पे 0.4, डेल्टा एस 6 आपका ये है 0.45184, फिर ये 0.6 एंड टी 5 अभी अभी आप फाइंड करते 3.2, फिर मैं इन दोनों का इंटू करूं 0.4 इंटू 0.45184, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0.180736, फिर इन दोनों का इंटू करो 0.6 इंटू 3.2, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 1.92, फिर इन दोनों का प्लस कर रहा हूं, इसमें मैं प्लस कर रहा हूं 0.180736, ठीक है। तो मैंने प्लस किया तो क्या आया 2.100736, ये प्लस किया था, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ T6 2.100736, ओके। तो यहां पे ये हमारा स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ओके। अभी स्टेप 5 में हमें फोरकास्ट फाइंड करना है, ठीक है ना। स्टेप 5 में लास्ट स्टेप में हमें फोरकास्ट फाइंड करना है, तो फोरकास्ट की भी फॉर्मूला आपको याद रखनी है। तो फोरकास्ट की कौन सी फॉर्मूला है हमारी, ये फॉर्मूला है एक्स टी, इसकी सिंबल है ऊपर टोपी बना दे रहा, ठीक है। तो उसकी फॉर्मूला है हमारी, ये आपको याद रखनी है, स्मॉल एस टी, टी जो है स्मॉल में आना चाहिए, 1 माइनस अल्फा डिवाइड अल्फा एंड टी टी कैपिटल टी, फिर उसके नीचे स्मॉल टी, ये आपकी फॉर्मूला है किसकी, फोरकास्ट की, ठीक है ना। तो सेम इसके इसमें भी आपको इसी तरह ही करना है, पहले 75 के लिए निकालना है, तो जो स्मॉल टी है उसकी जगह में मैं 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, इसी तरह, ठीक है ना। तो देखो अभी हम 1975 के लिए करें तो एक्स 1, ठीक है ना, स्मॉल टी की जगह पे मैंने 1 रखा, यहां पे भी स्मॉल टी की जगह पे 1 रखूंगा, और 1 माइनस अल्फा डिवाइड अल्फा आप स्टेप नंबर फर्स्ट में फाइंड करके 0.6 डिवाइड 0.4 1.5 आया था,
तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट 1.5 रख देता हूं, 1 माइनस अल्फा डिवाइड अल्फा, ठीक है ना। एंड टी स्मॉल डी की जगह पे मैं 1 रखूंगा, ठीक है। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, S1 मतलब ये जो स्मूथ वैल्यू है, ये S0 है, हम इनिशियल एस्टीमेट के सामने ये S0 होता है, ये S1 ये है, S1, S2, S3, S4, S5, S6 इस तरह, और हमने फाइंड भी किया था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे S1 रखूंगा 104, फिर ये 1.57, T1 ये है, ये T0 होता है, वो मिला नहीं होता है, हमें सिर्फ S0 ही होता है कंपलसरी, बाकी 0 कोई भी वैल्यू नहीं होती है, 1 से ही होती है, ये T1, T2 इस तरह होता, ठीक है ना। तो T1 की जगह मैं 1.6 रखूंगा, तो ये 104 प्लस मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 1.5 इंटू 1.6, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2.4 आया, ठीक है। दोनों का प्लस करूंगा 106.4, ये आपको फोरकास्ट मिल गया फर्स्ट का 106.4, ये 1975 के हुआ, अभी 1976 के लिए करूंगा, ठीक है ना। तो सेम इसकी तरह ही एक्स स्मॉल टी की जगह पे 2 रखूंगा, मींस एस 2, एंड इसकी जगह पे 1.5, 1 माइनस अल्फा डिवाइड में अल्फा, उसकी जगह पे 1.5 रख रहा हूं, टी और स्मॉल टी की जगह पे 2, ठीक है ना। अभी वैल्यू पुट करेंगे, एस 2 आपका क्या है, ये है 110.4, ये 1.5 से T2 आपका कितना है 3.52, फिर 110.4 इससे मैं मल्टीप्लाई करूं 3.54 इंटू 1.5 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आया 5.28, ठीक है। फिर दोनों का प्लस करूं 110.4 प्लस किया तो क्या आया 115.68, ये हमें दूसरी वैल्यू आ गई 115.68। इसी तरह 1977 में जब फाइंड करूंगा एक्स एंड स्मॉल टी की जगह पे 3 रखूंगा, तो इस तरह हो जाएगा एस 3 प्लस 1.5 एंड टी 3। अभी एस 3 आपको क्या दिया गया है, एस 3 आपका सॉरी यहां पे स्मूथ वैल्यू में ये देखना है 114.64 प्लस 1.5 T3 आपका क्या है 3.808, फिर ये सेम 114.64 इन दोनों का इंटू करो 3.808 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 5.712, दोनों का प्लस करो 114.64, ठीक है। तो 120.352 आएगा, ओके। तो ये हुआ 1977 के लिए, अभी 1978 के लिए कह रहा हूं, इधर कर देता हूं 1978 के लिए, तो टी की जगह पे क्या रखूंगा मैं 4 रखूंगा, ठीक है ना। तो एक्स 4 यहां पे एस 4 प्लस 1.5 टी 4, ठीक है। एस 4 आपका, एस 4 ये हुआ 4, 5, 6 इस तरह होगा, तो 4 है आपका 118.784, ठीक है, प्लस 1.5 एंड टी 4 आपका ये 3.9424, फिर ये 118.784 इन दोनों का इंटू करूं मैं 1.5 इंटू 3.9424, दोनों का मल्टीप्लाई किया 5.9136, दोनों का प्लस करो 118.784 प्लस किया तो आंसर आया 124.6976, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा मैं, अच्छा ये लिखना भूल गया, पहले ये लिखना है 120.352, ये जो आपने x3 फाइंड किया, फिर x4 फाइंड किया, वो लिखेंगे 124.6976, ओके। ये 78 के लिए आया, इसी तरह ही 79 के लिए फाइंड करेंगे, ओके।
तो देखो किस तरह होगा, x स्मॉल t की जगह पे मैं phi रखूंगा, ठीक है ना, phi, तो क्या हो जाएगा s phi प्लस 1.5 t phi, ओके, s phi की जगह पे मैं क्या रखूंगा, ये है हमारा 120.8704 प्लस 1.5 एंड टी फाइव की जगह पे मैं क्या रखूंगा 3.2 एक्यूरेट, ठीक है, तो ये सेम 120.8704 इसका मल्टीप्लाई करो 1.5 इंटू 3.2, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4.8, इसमें प्लस करूंगा मैं 120.8704, ठीक है, तो प्लस किया तो क्या आया 125.6704, तो वो मैं लिख दूंगा 125.6704, ओके, अभी इसके बाद लास्ट है हमारे पास है 1980 के लिए निकालो, 1980 के लिए निकालूंगा x t की जगह पे 6 रखूंगा, स्मॉल t की जगह पे 6, फिर इसके इक्वल्स में s 6 प्लस 1.5 t 6, ठीक है ना, तो s 6 आपका क्या है, s 6 बड़ा नंबर है बहुत, 121.3224 प्लस नीचे लिख देता हूं 1.5 t 6, t 6 है आपका 2.100736, ठीक है, फिर क्या कर रहा हूं मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसमें प्लस कर देता हूं, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं 2.100736, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1.5 से, फिर इसमें ये प्लस कर रहा हूं, 121.32224, ओके, तो क्या आया 124.473344, मीन्स यहां पे मैं लिखूंगा 124.4734, ओके, देखो मैंने पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर लिखे हैं, आपके बुक में मैं भी पॉसिबल, पॉइंट के बाद दो नंबर हो, पॉइंट के बाद तीन नंबर हो, तो मैं भी पॉसिबल, उसकी वजह से माइनस ऑफ पॉइंट में चेंज आ सकता है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं सब ले रहा हूं, इन्होंने समझो पॉइंट के बाद सिर्फ दो नंबर लिए, तो नेचुरली जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस करोगे तो माइनस का चेंज आता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये राइट है, ओके, आपके बुक में जो है वो भी राइट है, क्योंकि वो पॉइंट के बाद दो या तीन नंबर दे रहे हैं, ओके, तो ये सम जो है बहुत बड़ा है, सिर्फ आपको स्टेप वाइज जाना है, ठीक है, स्टेप को आप फॉलो करोगे तो ये आपको फोरकास्ट इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना, तो आज जो मैंने सम कराया, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, अगर जो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, इस वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।